नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव में अब 12 बजे तक हो चुकी है 25% से ज्यादा वोटिंग। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम किया गया है, तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अलवर से सांसद बालकनाथ ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो जारा से और जैसे ही वोट डाला है महेंद्र बाबा बालकनाथ ने, उन्हें एक बड़ी बात जो है वो इन चुनावों को लेकर कही है। बाबा बालकनाथ ने कहा है कि ये बहुत अच्छा लगता है कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। भारत के नागरिक भारत भाग्य विधाता है। राजस्थान के लोग भाजपा को वोट देंगे जो राज्य के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था के लिए समर्पित है। और लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे, वो भी लंबे समय से, कि वे इन झूठे वादों से बाहर आ सकें और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस ला सकें। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही उत्साह है लोगों में। और भारत के भाग्य विधाता हैं हमारे सभी भारत के नागरिकगण। आज वो राजस्थान की जनता आज अपने आने वाले समय में राजस्थान के विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था, इन तीनों को समर्पित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे और लोगों के भाव से, मन से, अंतरात्मा से वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। बहुत ही अच्छा उत्साह लोगों के अंदर है और इस प्रकार से कि जैसे बहुत इंतजार में बैठे थे लोग, और ये ठीक इंतजार में आज से नहीं है। आज से 2018 में जब राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था और 10 तक की गिनती पूरी थी, तो 11वें दिन से लोग इंतजार में बैठे थे कि कब वो दिन आए, इन झूठे लोगों को सत्ता से भार कर, इनको भार कर और राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। देखिए, ऐसा है कि मेवात क्षेत्र में हमने प्रशासन को बहुत अच्छे से लिखा है और बूथों की संख्या भी दी है कि ये संवेदनशील बूथ है, और हमें पूरी जानकारी है कि इनके जमात के अंदर और इनके जो हमारे मेवात क्षेत्र के रोजगार के लिए बाहर लोग गए हुए हैं, उनके ये फर्जी वोट डाले जाते हैं, इनकी डुप्लीकेट आइडियाज भी बनाई गई। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाई बंधु इस प्रकार का कदम ना उठाए, अगर कोई पकड़ा गया तो उसको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। जैसे ही वोट कास्ट किया है अपना बाबा बालकनाथ ने, उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो राजस्थान में बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए समर्पित है और राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था और तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो काम करना जानती है, और इन्हीं तमाम मुद्दों पर जो है वो अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। राजस्थान में जो है वो इस बार 200 सीटों में से 199 सीटों पर ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप को आगे बढ़ते हुए दिखा रही है और कह रही है कि इस बार राजस्थान में बदलाव होना निश्चित है। क्योंकि देखिए, राजस्थान का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, और इस बार बीजेपी का कहना है कि अगर इस बार बीजेपी आई तो जाने वाली नहीं है और अशोक गहलोत की सरकार वापसी नहीं करेगी। ये बात तो पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। एक तरफ बाबा बालकनाथ ने बड़ी बात जो है वो वोटर्स के लिए कही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार राज्यवर्धन राठौर ने भी जो है वो अपना वोट कास्ट कर दिया है और उन्होंने जनता और वोटरों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे 5 साल में एक बार आने वाले इस त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाएं, वोट देने के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करें। यह त्योहार आपका भविष्य तय करता है और यह अगले 5 साल तक तय करेगा। वर्षों में 5 सालों में यह स्पष्ट है कि मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं को कोई भी कठिनाई होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से राजस्थान के मतदाताओं को और राजस्थान की मीडिया को, राजस्थान की सोशल मीडिया को, कि आप सब ने प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, वो पूरे राजस्थान में जगाया। आप सभी तुरंत अपने घर से निकलिए और मतदान करिए। वोटिंग परसेंटेज शानदार रूप से इस बार राजस्थान उदाहरण दे दे पूरे देश को कि वोटिंग परसेंटेज के अंदर यहाँ हर मतदाता यहाँ का योद्धा है जो देश के लिए खड़ा है और अपना मतदान करता है।
कांग्रेस की स्ट्रैटेजी अभी कई जगह ऐसी है कि वोटिंग परसेंटेज गिराओ, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। अलग अलग जगह पर हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे, दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे, जो नागरिक कानून व्यवस्था को मानते हैं उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। यही उनकी स्ट्रैटेजी, आप सोच सकते हैं, परसेंटेज गिराना, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। और हम चाहते हैं कि हर वोटर जाए और जिसको वोट देना है आपके मन में जो पार्टी है दीजिए, तो आप फर्क यही देख लीजिए। हम चाहते हैं कि हर मतदाता वोट करे, वो चाहते हैं कि आप सब घर से बाहर ना निकले। और इसी के साथ उन्होंने जो है वो अपना पोस्ट जो है वो जोटवाड़ा से कास्ट कर दिया है। जैसे जैसे टाइम जा रहा है, देखिए अब 12 से ज्यादा बज चुके हैं और पोलिंग बूथ पर जो है वो ज्यादातर मतदाताओं की भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। और हमारी जो टीम ग्राउंड पर लगी हुई है वहां से भी अपडेट लगातार यही का सामने आ रही है कि इस बार जो जनता है वो विकास और नारी सुरक्षा के लिए जो है वो मद्देनजर रखते हुए अपना वोट कास्ट जो है वो राजस्थान में कर रही है। क्योंकि इस बार का जो राजस्थान की जनता का बड़ा मुद्दा है, एक तरफ महंगाई है और दूसरी तरफ है महिला सुरक्षा और तीसरी तरफ सुशासन, और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज राजस्थान की जनता जो है वो अपना वोट कास्ट कर रही है। और आपके लिए बता दें कि राजस्थान विधानसभा के लिए आज प्रदेश की कुल 200 में से 199 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजनीतिक गलियारे में राजस्थान राज्य के इस चुनाव को राज्य और रिवाज बदलने की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस बार सत्ता में जो है वो बीजेपी काबिज होगी और वो इन तमाम मुद्दों पर ध्यान देगी जो कि कांग्रेस ने नहीं किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो रीत राजस्थान में अभी तक चली आ रही है कि एक बार बीजेपी दूसरी तरफ कांग्रेस, ये रीत जो है वो इस बार कांग्रेस की जो है वो राजस्थान में टूटने वाली है और राजस्थान में कांग्रेस फिर एक बार पुनः रिपीट करेगी। पर देखिए जो मुद्दे आज जनता के हैं वो तस्वीर कुछ और ही दिखा रहे हैं जो ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है। इसी के साथ भी गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा से कांग्रेस क्षेत्र की प्रत्याशी है विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का के निधन के कारण जो है वो करणपुर सीट पर चुनाव स्थगित हो गया है और 199 सीट पर जो है वो अब चुनाव हो रहे हैं। और इन चुनावों में करीब 150 सीटों पर सत्तारूढ़ी पार्टी कांग्रेस है भारतीय जनता पार्टी के जो है वो बीच सीधा सीधा मुकाबला होने के आसार जो है वो अब दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर ये मतदान हो रहा है जहां पर 5.25 करोड़ से अधिक मतदाता जो हैं वो आज वोट डालेंगे। और नए मतदाताओं को लेकर भी जो है वो लगातार नए संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो है वो लगातार नए वोटर्स को प्रेरित करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि नए वोटर्स जो है वो अपना वोट जरूर कास्ट करें और इस चुनाव में भागीदारी अपनी बढ़ चढ़ कर दिखाएं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के सरदारपुर सीट पर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालवाड़ा जिले की झालरा पाटन, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद और नाथ द्वारा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक से और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर चूरू जिले से तारानगर, उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जयपुर की आमेर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसरा सिकर जिले से जो है वो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़कर फिर से अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। इसी के साथ अधिकारियों ने यह भी बताया है कि 199 सीट पर 1862 उम्मीदवार जो है वो इस बार मैदान में है और जहां मतदाताओं की संख्या जो है वो 5,25,38,105 है और
राज्य में करीब से करीब जो है वो 36,101 स्थानों पर कुल 51,507 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उसमें से 26,393 जो मतदान केंद्रों से लाइव जो है वो वेबकास्टिंग भी होगी। देखिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था का जो है वो इंतजाम इन राजस्थान के चुनावों के दौरान किया गया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि इन मतदाताओं में जो मतदाता इस बार इन राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करने जा रहे हैं, इन मतदाताओं में 18 से 30 आयु के वर्ग के कम से कम 1,70,99,334 युवा जो हैं वो मतदान में शामिल हैं, जिसमें से 18-19 वर्ग के जो लोग हैं जो युवा हैं वो कम से कम 22,63,800 हैं और इसमें नए मतदाता जो हैं वो शामिल हैं। और इस बार जो है वो राजस्थान में वोटिंग करने वाली जनता जो है वो वोट करने से नहीं चूक रही है और इसीलिए मैंने कहा कि जिस तरीके से वोट डाला जा रहा है 12 से ज्यादा अब बच चुके हैं और 25% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, तो जिन लोगों की शादी भी है आज राजस्थान में वो भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जी हाँ, दूल्हे ने पहले डाला वोट और फिर निकली है बारात, इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो भी राजस्थान से देखने को मिल रही है। राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में गजब का उत्साह जो है वो दिख रहा है और इसी बीच जिस तरीके से शादी जो है वो यानी कि शादी छोड़कर यानी कि शादी से पहले जो है वो भी सज धज कर दूल्हे दुल्हन जो है वो वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर अब 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है उस चुनाव का, चुनावी महोत्सव का देखना अहम रहेगा क्या राजस्थान में पलटेगा इतिहास या इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मारेगी बाजी। इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।